हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम अबू मैजन था और वो सहाबी कसरत से शराब पीते थे। सहाबा भी थे लेकिन नबी नहीं थे और मासूम नहीं थे। उनसे भी ख़ताएँ हुईं लेकिन अल्लाह पाक ने वादा किया और फरमाया, मैंने तेरे तमाम सहाबों को बख्श दिया, जन्नत दे दी। उन सहाबी को शराब की आदत थी, हर दफ़ा कोड़े खाते थे, फिर शराब पीते थे, फिर कोड़े खाते थे, इसी तरह फिर पीते और कोड़े खाते। अब वो एक जंग में शरीक हुए, उनको घर नहीं भेजा। वो शराब पीते और कोड़े खाते थे और जंग लड़ते थे। आखिर साद अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तंग आकर उनको जेल में डाल दिया और फरमाया कि जब तक ये तोबा नहीं करता उसे नहीं छोड़ूंगा। अब जंग हुई, इस जंग में ईरान का फैसला हुआ। ये जंग 9 दिन तक चली। एक जंग का दिन था और रूम ईरानियों ने सहाबा को उखाड़ दिया और सहाबा उखड़ते पीछे आ रहे थे और रूम के लोग पीछे से देख रहे थे कि मुसलमान कैसे तड़प रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। अब जंग के दौरान जहां वो सहाबा अबू महजन कैद थे तो साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु की जोजा उधर से गुजर रही थी तो उन सहाबी ने फरमाया, ऐ सलमा मेरी बेड़ियाँ खोल दे और ये दरवाज़ा भी खोल दे, मुझे साद का घोड़ा दे दे और तलवार और उसकी ढाल भी दे दे, और अगर मैं शहीद हो गया तो तुम सब की जान छूट जाएगी और अगर मैं बच गया तो यहाँ आकर बेड़ियाँ पहन कर बैठ जाऊँगा। वो कहने लगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, अगर साद को पता चला तो वो मुझसे नाराज़ होंगे, मुझे सजा देंगे। तो उनकी जोजा आगे चली गई। अब वो सहाबा फरमाने लगे, मेरे दुख के लिए इतना ही काफ़ी है कि हक और बातिल की जंग हो रही है और मैं इधर बेड़ियां पहन कर कैद हूं। तो जब उनकी जोजा ने यह सुना तो वो वापस आईं और नरम मिजाज हो गईं और वापस आकर दरवाज़ा खोल दिया और उनकी बेड़ियां खोली और उनको हजरत साद का घोड़ा दे दिया और उनकी तलवार और ढाल भी दे दी। अब अबू मैजन ने अपना मुंह छुपाया और मैदान जंग में पहुँच गए और अब लश्कर की तादाद सहाबा 30,000 थे और वो ईरानी 3,00,000 थे और उन 3,00,000 और 30,000 के मुकाबले में एक आदमी क्या कर सकता है। लेकिन पता नहीं अबू मैजन शराब पीने के बावजूद अल्लाह पाक को उनकी कौन सी आदत पसंद थी। और वो जब मैदान जंग में पहुंचे तो उस लश्कर में दाखिल हुए जहां ईरानियों का दबाव ज़्यादा था और जहाँ जहाँ ईरानियों ज़्यादा नज़र आते वहाँ शेर की तरह झपट जाते और उनको काट कर रख दिया। और उन एक अकेले आदमी ने ईरानियों के दबाव को रोक दिया, यहाँ तक कि रब्बे जुल जलाल की कसम सारे लश्कर में ऐसे बिजली की तरह बात फैल गई। अल्लाह पाक ने फरिश्ता भेज दिया और उनका चेहरा छुपा हुआ है और उनकी रफ्तार बिजली की तरह थी, आवाज़ कड़क थी और तलवार में तेज़ी थी। तो मुसलमान ये देख कर कह रहे थे कि ये कौन है, ये फरिश्ता है, ये फरिश्ता है। तो जब उनको जिधर ईरानियों का दबाव नज़र आता तो वो वहाँ चले जाते और उन मजमे को काट देते और उन अकेले सहाबी ने बिजली की रफ्तार की तरह उस लश्कर में फिरते रहे और अकेले शख्स ने 3,00,000 के मजमे को रोका। तो अब ईरानी पीछे हटना शुरू हो गए, अब मुसलमानों का गलबा आना शुरू हो गया। उस दिन जंग का फैसला नहीं हुआ लेकिन मुसलमान शिकस्त से बच गए। बग़ैर किसी नतीजे के मैदान से वापस लौटे और उन्होंने जंग ख़त्म होने से पहले घोड़े को निकाल दिया ताकि मेरा किसी को पता ना चले और वापस आकर जेल में बेड़ियां पहन कर बैठ गए। उस दिन हजरत साद अबी वकास रजी अल्लाह तआला बीमार थे और किले की छत पर थे और वहां से पर्चियां लिख कर नीचे देते और ख़त लश्कर को मिलता। तो जब वो एक सहाबी एकदम नुमाया हुए 3,00,000 का मुकाबला 30,000 में इतने नुमाया हुए कि साद कहने लगे कि ये कौन है, जिधर जाता है ईरानियों को काट देता है और जंग का पासा पलट दिया, और ये घोड़ा तो मेरा लगता है लेकिन हमले का अंदाज अबू महजन का लगता है, लेकिन वो तो कैद है, पता नहीं ये कौन है। ये सोच रहे थे और जंग शाम को तमाम लोग जंग से वापस आ गए और सारे शाह सवार साद बिन अबी वकास के खेमे में आए तो सब ने कहा, आज शिकस्त यकीनी थी मगर अल्लाह ने किसी बंदे को भेज कर हमें बचा लिया, लेकिन पता नहीं वो कौन था, हमें लगता है वो फरिश्ता था। उसके बाद सारे वापस आ गए तो उनकी बेगम सलमा ने रात को उनसे पूछा कि जंग का क्या हुआ। तो साद कहने लगे कि घोड़ा मेरा लगता था
लेकिन वो घर था और शाह सवार अबू मैजन जैसा लगता था, लेकिन वो तो कैद थे। इसकी मुझे समझ नहीं आई तो हज़रत सलमा फरमाने लगी कि एक बात कहूँ, आप नाराज़ ना होना। तो हज़रत साद कहने लगे, नाराज़ नहीं होता। तो हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि वो अबू मैजन ही था और घोड़ा भी आपका ही था। तो हज़रत साद कहने लगे, वो कैसे? तो हज़रत सलमा ने कहा, मैं गुज़र रही थी तो उन्होंने फरियाद की, मैंने खोल दिया। और जब ये बात हज़रत साद ने सुनी तो उनकी आंखों से आंसू आने लगे और फरमाया, अबू मैजन को बुलाओ। बल्कि वो खुद वहाँ गए, उनकी बेड़ियाँ खोली अपने हाथों से और फरमाया, आज के बाद तेरे ऊपर कोई सजा नहीं। और फरमाया, अबू मैजन आपका जो दिल करे वो करे। दोस्तों, ये थी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू मैजन के बारे में वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।